और अब बात करते हैं छतरपुर की, जहां एटीएम तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। घटना छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पन्ना नाका चौराहे की है, जहां बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसके मुताबिक चोर एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं। उन्होंने पहले एटीएम के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों सहित एटीएम की स्क्रीन को स्प्रे पेंट से कवर कर दिया और बेफिक्र होकर घटना को अंजाम दिया। यहां चोरों ने एटीएम मशीन के कैश बॉक्स को तोड़कर उसमें रखा हुआ सारा कैश लेकर भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद और मामले की जांच कर रहे सीएसपी लोकेंद्र सिंह और थाना टीआई अरविंद दांगी ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल, एफएसएल, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे हैं। एटीएम में गार्ड था या नहीं, इस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। संबंधित बैंक एटीएम अधिकारियों के आने पर पता चल सकेगा। फिलहाल जांच चल रही है। आपको बता दें कि छतरपुर जिले में अधिकतर एटीएम पर कोई गार्ड मौजूद नहीं रहता, जिसके चलते इस तरह की घटना और वारदात को अंजाम देने में चोरों को आसानी होती है। विराट 24 न्यूज के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। एटीएम टूटा हुआ है, इसमें हमने डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम को हमारी बुलाया है और की जांच की जा रही है। पर ये जैसा कि पता चला इसमें कोई गार्ड नहीं था रात को, इसलिए ऐसा टूट एटीएम टूटा है। इसके बारे में बैंक वालों से पता किया जा रहा है और मैं अनुसंधान किया जा रहा है। यहाँ एटीएम को काट के रात्रि में कुछ चोरों द्वारा चोरी की गई है, जिसमें कुछ कैश ले जाया गया है। अभी एग्जैक्टली कितना कैश है ये अभी बैंक द्वारा पुष्टि की जानी अभी शेष है। किस थाना क्षेत्र की सर घटना? ये सिविल लाइन थाना है।